कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अक्सर ऑफिस में एसी का तापमान बहुत कम होने की वजह से ठंड की शिकायत करती हैं। कई बार तो इससे निजात पाने के लिए स्वेटर और शॉल तक पहनती हैं। और कुछ ठंड से परेशान होकर ऑफिस के लॉन में चहलकदमी करती भी दिखाई दे जाएंगी। कई बार आपको भी सोच कर लगता होगा कि आखिर महिलाओं को ही इतनी तकलीफ क्यों होती है एसी से, और कई बार इसके लिए आप उन्हें नकली भी कह चुके होंगे। लेकिन किसी भी तरह के कमेंट या महिलाओं के बारे में कोई राय बनाने से पहले यह बात जरूर जान लें। दोस्तों, महिलाओं को गर्मियों के मौसम में भी एसी के कम तापमान की वजह से ठंड लगने पर एक रिसर्च किया गया। इसमें यह देखा गया कि एसी के कम तापमान में महिलाओं के काम की गुणवत्ता में गिरावट आई, जबकि ज्यादा तापमान में उनकी कार्य क्षमता काफी अच्छी रही। वहीं देखा गया कि पुरुष कम तापमान पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। इस शोध के तहत यह बात सामने आई कि ऑफिस का तापमान होने पर महिलाओं के काम की गुणवत्ता अच्छी रही। दरअसल ऐसा महिलाओं की एनाटॉमी की वजह से होता है। उनका मेटाबॉलिक रेट पुरुषों के मुकाबले कम होता है और उनकी बॉडी से हीट लॉस काफी कम मात्रा में होता है। इससे उन्हें ठंड का एहसास पुरुषों से पहले और ज्यादा होता है। बता दें कि महिलाओं के लिए 77 डिग्री फारेनहाइट 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान काम करने के लिए बेहतर रहता है, वहीं पुरुषों के लिए 72 डिग्री फारेनहाइट 22 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान हो सकता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ऑफिस में महिलाओं को इतनी परेशानी के बावजूद एसी का तापमान उनके मुताबिक ना होकर पुरुषों के हिसाब से होता है। दरअसल इसके कुछ स्वास्थ्य से जुड़े भी कारण हैं। जो औरतें ऑफिस वर्क करती हैं, उन्हें ज्यादा ठंड लगती है। सीट पर बैठने या केवल घूमने फिरने वाला काम या कंप्यूटर वर्क करने वाली औरतों को ज्यादा ठंड लगती है। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका बॉडी मूवमेंट कम होता है, तो उनका मेटाबॉलिक रेट पुरुषों की तुलना में 35% कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट घटने के कारण औरतों के शरीर में गर्मी कम पैदा होती है, जिसके चलते उन्हें ज्यादा ठंड लगने लगती है। आइए अब आपको बताते हैं इसके पीछे का हेल्थ कारण क्या है। पहला, डाइटिंग। हर दूसरी महिला कहती मिलेगी कि मैं डाइटिंग पर हूँ। दरअसल ऑफिस वर्क करने वाली औरतें खुद को स्लिम ट्रिम रखने के लिए डाइटिंग करते हुए कम भोजन करती हैं। उनका मानना है कि चूंकि वो शारीरिक श्रम कम करती हैं, इसलिए उन्हें कम खाना चाहिए। लेकिन ये कम खाना भी ज्यादा ठंड लगने का कारण है। दूसरा, पीरियड्स। पीरियड्स भी ऑफिस में ठंड करने का एक बड़ा कारण है। दरअसल पीरियड से पहले शरीर के तापमान में कमी आती है, और पीरियड्स के दौरान जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो इसकी वजह से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं, जिससे ठंड लगने लगती है। आपने देखा होगा कि कमजोर आदमी को भी ज्यादा ठंड लगती है, जबकि मोटे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है। तीसरा, आप शायद नहीं जानते कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक वसा जमा रहती है, यानी बॉडी फैट अधिक होता है, जो जरूरत के समय पिघलकर उन्हें गर्मी प्रदान करता है। सर्दियों में यही बॉडी फैट उनके शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है, और वो कम गर्म कपड़ों में अपने को स्टाइलिश दिखा पाती हैं।